थोड़ा सा वीडियो में आ गई तो चाय बिल्कुल, और मैं सिर्फ एक कप अपनी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने साग छौंक दिया था और साग मेरा बन भी गया। इसका मैं बनाऊंगी पराठा, तो मैं धुल रही थी तो धुल का पत्ता और पान का पत्ता इसलिए ऊपर लिखा है ना कि ये उसी दिन सुबह। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नेहा स्वीट फैमिली ब्लॉग्स में। आज का जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे से, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने साग कट करके रख लिया। और साग काटना तो एक बहुत बड़ा जैसे काम होता है, सच्ची बता रही हूँ, मैं थक गई इसको काट काट के, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है और मेरे यहाँ सबको पसंद है, मतलब बच्चे भी खाते हैं, हस्बैंड भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, तो खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट काटने में बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन मैंने अभी काट के रख दिया क्योंकि अभी मैं शाम को साग ही आज बनाने वाली हूँ, दाल चावल के साथ साग रोटी अच्छी लगती है। तो ये धुलने जाए थी, मैं थक गई काट काट के, तो मैंने इधर रख दी थी चाय, तो चाय मेरी हो चुकी है, एकदम पक गई है। मैं थोड़ा सा वीडियो में आ गई तो चाय बिल्कुल, और मैं सिर्फ एक कप अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, तो मेरे लिए मतलब पर्याप्त है एक कप चाय हो, क्योंकि चाय पीने के बाद ना शाम के समय थोड़ी एनर्जी आ जाती है, फिर बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। मैं बैठ के, ये मेरी रिलैक्स वाली चाय है, तो मैं बैठ के भी रिलैक्स होकर चाय पीऊँगी, फिर साग धुल के साग छौंकूंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और किस कौन बताइएगा कमेंट करके कि किसको किसको साग पसंद है और किसको किसको काटना पसंद है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी साग काटना पसंद होगा, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, पर काटना पड़ता है। मम्मी क्या बिल्कुल कभी नहीं काटा था मैंने, मतलब जब मैं शादी नहीं हुई थी मम्मी के आती तो मम्मी ही काटती थी, बस छौंक देती थी, बना देती थी बस, बट काटती नहीं थी कभी। लेकिन अभी शादी होने के बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है तो मुझे ही काटना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैम आप लोग सोच रहे होंगे दीदी आज पढ़ने बैठ गई है, क्या एडमिशन लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना रही हूँ पर्चा जिसे बोलते हैं, लिस्ट बना रही हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि नवरात्रि आ रही है। तो मैं लास्ट टाइम क्या हुआ ना कि मैं गई जैसे 3 तारीख को नवरात्रि इस बार, तो मैं सोची 2 को छुट्टी रहेगी, 2 को ही जाके सामान ले आऊँगी सारा पूजा का जो है, क्योंकि मैं भी घर पे मैं बता दूँ सबसे पहले कि मैं 9 दिन का व्रत नहीं रहती हूँ, बट मैं कलश भी रखती हूँ, ज्वारे उगाती हूँ, पूरी पूजा विधिवत करती हूँ, सप्तशती का पाठ करती हूँ, तो मतलब बस व्रत नहीं करती बाकी सब कुछ करती हूँ, अखंड ज्योत जलाती हूँ, तो सब कुछ है। तो मैं वही लिस्ट तैयार कर रही थी, मैं बोली उस बार मैं गई, बाप रे, जो भीड़ दुकान में थी ना कि सामान के लिए, मतलब घंटों लग गए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं वही सोची कि आज अभी हस्बैंड जी आ रहे हैं, फ़ोन आया था उनका कि मैं आ रहा हूँ, मैं सोची जल्दी आ रहे हैं तो जाते हैं सामान लेके आते हैं, रख लेते हैं, नहीं तो भी प्रॉब्लम होगी। और मैं सोची दुकान पे जाऊँगी तो कुछ बोलूँगी, कुछ आएगा, फिर पता चला बोलूँगी उनको तो वो गुस्सा करेंगे कि अभी गई ले आई क्या लाई, फिर छोड़ दिया। तो मैं बोली लिस्ट बना लेती हूँ, तो मैंने लिस्ट बना लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है लिस्ट में। तो यहाँ पे मैंने लाल कपड़ा लिख लिया है, चुनरी लेनी है, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, क्वाइन मैंने जो पूजा में लगेगा सब लिखा है, ज्वार और अखंड ज्योत की बाती, मैं आपको बता, नारियल है, और ये मैंने आम का पत्ता और पान का पत्ता इसलिए ऊपर लिखा है ना कि ये उसी दिन सुबह सुबह मैं हस्बैंड जी को भेज के मंगा लूँगी। और ये मतलब अखंड ज्योत की बाती ना, जैसे कि बाती बनाते हैं घर पे तो वो 9 दिन चलती है कि नहीं चलती, तो मैं बता दूँ मार्केट में भी मिलता है 9, अगर आप बोलेंगे कि अखंड ज्योत की बाती चाहिए, तो मैंने इसीलिए लिख लिया कि मैं भूलूँ ना और ले लूँगी तो पूरा 9 दिन अच्छे से वो जलेगी, तो 9 अखंड ज्योत की बाती भी मैंने ले लिया है। और ये जो मैंने सामान लिखा था ये डिमांड के लिए लिखा था कि हम लोग डिमांड भी जाएंगे तो घी है, कपूर है, जो सामान मतलब वहाँ से लेना है वो ले लेंगे सारा, और ये पूजा का सामान मैं पूजा वाले दुकान से, पूजा वाले भैया के यहाँ से ले लूँगी। तो बस मैं चाय पी, उसके बाद मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया, मैं चाय ही पी रही थी तभी, तो मैं बोली अभी आ रहे थे, मैं फटाफट सबसे पहले लिस्ट तैयार करती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो ये लिस्ट मेरी बन गई है, और वो लेना है मुझे क्या, ज्वार उगाने के लिए जो डलिया आती है ना बासी, तो वो मैं उसी में उगाती हूँ ज्वार। और मेरे ज्वार मैं बता दूँ, मैंने शॉर्ट्स में डाला था लास्ट टाइम, इतने अच्छे ज्वार उसमें उगते हैं ना कि क्या बताऊँ, जो बांस की डलिया आती है ना उसमें, तो वो बांस की डलिया भी लेनी है मुझे। देखिए मैं भूल गई थी, बातों में याद आ गया, नहीं तो मैं रह जाता, और आगे फिर मतलब उस दिन भूलती सुबह की कहाँ मिलेगा। तो ये मेरी लिस्ट बन गई है, और मैं जाती हूँ फटाफट सबसे पहले साग छौंकती हूँ, क्योंकि खाना बना के जाऊँगी नहीं तो आने के बाद मन नहीं करेगा। और चलिए किचन में चलते हैं, साग छौंक देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने साग छौंक दिया था और साग मेरा बन भी गया है, और साग के साथ मैंने बना दी है यहाँ पे टमाटर की चटनी, और टमाटर हरी धनिया मिर्ची की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है साग के साथ, और
दाल थोड़ी सी बची हुई है तो मैं सोची हो जाएगा। अब साथ मेरा बन गया है तो मैं बोली आप लोग को दिखाती हूँ। बस मैं अब निकल रही हूँ जाने के लिए सामान लेने के लिए। तो मैंने चावल बना दिया, चटनी बना दिया, सब रेडी कर दिया है। बस अब मुझे आऊँगी तो चावल डालूंगी। तो और यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा साग बचा दिया है, इसका मैं बनाऊंगी पराठा। तो मैं धुल रही थी तो धुल के मैंने रख दिया है कि पानी सूख जाए और मैं सुबह नाश्ते में इसका पराठा बना दूंगी। और बस मैं अब निकल रही हूँ तो देखते हैं क्या क्या सामान लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैं जा रही थी मार्केट सामान पूजा कराने के लिए, 3 तारीख को नवरात्रि है, सबको पता है। तो मैं सामान लेके आ गई और क्या बता दूँ तो 10 बज गया था मुझे रात में, मतलब लेट हो गया। और फिर आई तो मैं बच्चों को भी भूख लगी थी, फटाफट सब बोलने लगे खाना दी, मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो। तो मैं बस किचन में लग गई और फिर खाया पिया तो नहीं बना पाई। तो मैं आज ये नेक्स्ट डे वीडियो बना रही हूँ, तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या लाई पूजा के लिए माता रानी की। मतलब सबके घर में तो तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी, मैंने भी घर की साफ सफाई की, मतलब वो मैं वीडियो नहीं बनाई, मैंने पूरा मतलब घर क्लीन किया क्योंकि हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं तो हम घर की पूरी साफ सफाई करते हैं। वैसे ही माता रानी भी हमारे यहाँ आ रही है 9 दिन के लिए, तो मैंने भी अपने घर की सब क्या आई, वो मतलब बहुत लोगों के यहाँ होता है कि नवरात्रि में पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से की जाती है, तो मैंने भी कर ली है। साफ सफाई का काम हो गया और पूरा का सामान भी मेरा आ गया है। तो सबसे पहले ये मैंने डलिया ले ली थी इसमें ज्वार उगाने के लिए, तो ज्वार उगते तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं ये ज्वार है और यहाँ पे ये मैंने पार्टी पे बिछाने के लिए ले लिया है कपड़ा, और ये लाल रंग का भी कपड़ा है। और ये कलश माता रानी के लिए मैंने भूषण भी, और बाकी कुमकुम है, लौंग है, इलायची है, सुपारी है, ये है हवन के लिए, ये कमल के बीज हैं। और ये मैं दिखा दूँ आपको तो ये है अखंड ज्योत की बाती, तो ये ले लिया है माची से, नारियल है कलश पर रखने के लिए। तो मैंने कल पूरा पूजा का सामान ले लिया था और बाकी ये देख सकती हैं कि ये भी एक ऐसा सामान है, मिट्टी भी यहाँ खरीदनी पड़ती है हम लोगों को कि ज्वार उगाने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है तो मिट्टी यहाँ पे कहाँ ढूंढते। तो मैंने मिट्टी भी मार्केट से ही ले ली, वो भैया जहाँ से मैंने पूरा पूजा का सामान रखा ना तो वो ऐसे थाली बना बना कर मिट्टी रखे हुए थे, तो मैंने मिट्टी भी ले ली कि ज्वार किसमें उगाएंगे। तो मेरा मतलब पूरा पूजा का सामान आ गया है। और मैं सोची कि मैं आप लोगों को बताई थी कि मैं जा रही हूँ मतलब मार्केट सामान लाने, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। बाकी अभी इसमें आम का पत्ता और पान का पत्ता नहीं है क्योंकि वो सूख जाते, तो मैं बोली सुबह सुबह हस्बैंड से मंगा लूँगी, वो ताजे रहेंगे तो अच्छे दिखेंगे। तो जो फ्लावर वगैरह है वो सब सुबह ही आएगा, पान का पत्ता, आम का पत्ता। और बाकी पूरी मतलब मेरे तरफ से माता रानी की आगमन की तैयारी हो चुकी है क्योंकि मैंने घर भी क्लीन कर दिया है और पूजा का सामान ला दी हूँ। बाकी जब मैं पूजा करूँगी, कैसे मैंने कलश बैठाया, कैसे मैंने ज्वार बोए हैं, तो वो आपको मेरा अपडेट मिलता रहेगा पूरा, मतलब मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और मेरे ज्वार कैसे उगते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सब देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। और कुछ बताना चाहते हैं कि कलश की स्थापना कैसे करें या ज्वार कैसे बोए कि अच्छे से ज्वार उग जाए, तो वो प्लीज कमेंट के थ्रू जरूर मुझे बताइएगा क्योंकि मतलब ये कहते हैं कि ज्वार उगता है तो अच्छा लगता है, तो मैं बहुत सोचती हूँ कि कोई मुझे अच्छा सा बता दे कि कैसे ज्वार उगाना है, कैसे जो है कलश की स्थापना करनी है कि माता रानी मेरे यहाँ आए तो खुश होके जाए। चलिए इसके साथ ही अपने वीडियो को खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।